Okay, so hey guys, this is me Tushar Silawar and you guys are watching my YouTube channel Tushar's World. So ये dialogue आप 4-5 साल से सुनते आ रहे हो, I know. आप सभी लोग नहीं, जो लोग नए लोग आए हैं, ये video उन लोगों के लिए भी है और जो मुझे बहुत time से follow करते हैं, ये video उन लोगों के लिए भी है. आज कुछ दिल की बातें बोलनी थी आप लोगों से, थोड़ी सी हमारी जर्नी के बारे में बात करनी थी. व्लॉग्स तो हमारे डेली व्लॉग्स तो रोज आ ही रहे हैं एंड आप लोग उन व्लॉग्स को इतना पसंद कर रहे हो ना, मैंने सोचा कि चलो नई जनता आ रही है थोड़ी सी, तो उन्हें भी थोड़ी सी अपनी कहानी सुनाए. सब कुछ स्टार्टिंग से बताऊंगा एंड थोड़ी जल्दी बता दूंगा सारी चीज़ें कि कैसे क्या मैंने कैसे कैसे सब चीज़ें अर्न करी, कहाँ से मैं आया हूँ, मैं कहाँ रहता था, मैं क्या करता था और कैसे कैसे धीरे धीरे मैंने सब कुछ करा एंड आज जो भी हूँ, मैं छोटा हूँ बड़ा हूँ, कुछ लोगों की नज़र में सक्सेसफुल हूँ, कुछ लोगों की नज़र में कुछ काम करके आगे आया हुआ बंदा हूँ, कुछ लोगों की नज़र में गलत हूँ, कुछ लोगों की नज़र में सही हूँ, कोई बात नहीं. सबका अपना अपना नज़रिया है, सबकी अपनी अपनी सोच है. किसी के सोच पे अगर आप चलोगे तो आपको जो करना है वो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है. सो किसी की सोच को भी हम गलत नहीं बोल सकते हैं एंड किसी कोई गलत बोले भी तो हमें क्या मतलब उससे, राइट. सो गाइस, ये कहानी स्टार्ट होती है आज से 7-8 साल पहले, जब मैं हुआ करता था स्कूल में. मुझे अच्छे से याद है कि मेरे पास फ़ोन नहीं था उस वक्त, मेरे पास उसके एक साल पहले तक एक J2 करके था, सैमसंग J2. सो मेरे को यूट्यूब का बहुत शौक था उस वक्त, बहुत सारे यूट्यूबर्स थे, टेक्निकल गुरुजी, ये लोग, इन सबकी वीडियोस चलती थी तो मेरे को भी बहुत शौक था भाई. और मैं बचपन से गेमिंग में बहुत मेरा शौक रहा है. अगर आप लोग मेरे को फॉलो करते हो इंस्टाग्राम पे तो आपने देखी होगी मेरी स्टोरीज में कुछ कुछ गेम्स खेलता रहता हूँ, उनको कंप्लीट भी करता हूँ. मैं बचपन से गेमिंग में बहुत शौक रहा है बिकॉज मेरे मामा हैं अजय मामा, उनकी गेम की रेंटेड गेम्स की शॉप थी, तो बचपन से उन्होंने मेरे हाथ में वीडियो गेम का रिमोट ही पकड़ा दिया था, तो वही सारी चीज़ें देखी. अब अपन बंदे प्लेस्टेशन 2 वाले हैं, PS1 वाले हैं, PS1 में मैंने गेम्स खेले हैं, मारियो में गेम्स खेले हैं, तो गेमिंग का बहुत ज़्यादा शौक था. तो मैंने सोचा कि चलो इसी से रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाते हैं. सो मैंने एक चैनल स्टार्ट करा था मेरा, एक्स गेमर तुषार करके, उसमें मैंने 100 वीडियोस डाले थे, मेरे को अभी भी याद है. हर वीडियो में कुछ 100 व्यूज़ आते थे, 150 व्यूज़ आते थे और मैं इतना खुश हो जाता था. 6 साल पुरानी बात है, अच्छे से याद नहीं है. उस वक्त इंटरनेट नया नया आया ही था, थैंक्स टू जियो. जियो के टावर्स मेरे घर के बाहर लग गए थे, जस्ट मेरा घर रोड पे था और मेरे घर के बाहर नेट था, मेरे घर के अंदर तक मेरे को नेट मिलता था. मैं उस एज में जितना इंटरनेट एक्सप्लोर कर सका मैंने सब कर दिया. लोगों ने मूवीज़ डाउनलोड कर करके देखी, लोगों ने गेम्स डाउनलोड कर करके देखे और मैंने सोचा कि एक यूट्यूब चैनल बनाते हैं. यार तो सर वापस आया हूँ एक ब्रांड न्यू वीडियो लेकर, और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने फोन में WWE 2K16 चला सकते हैं. गेमिंग की बहुत सारी वीडियोस डाली, मोबाइल फोन्स के रिव्यू वगैरह बनाए, सब बनाया बट कुछ भी नहीं चला है. उस वक्त बहुत बचपना था, वो वीडियोस आज भी देखता हूँ तो मेरे को ही अजीब सी लगती है, यार भाई ये क्या ही बनाता था मैं. Hey guys, this is me, Eximer Jeet Shara. आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा. फिर मेरा बेस्ट फ्रेंड है साद पठान करके, अभी भी अपना भाई है. तब मेरा बचपन में सिर्फ एक वही दोस्त था मेरा एंड मैं उसका दोस्त, हम लोग उसका आंगन टाइप तो वहाँ बैठा करते थे. स्कूल जैसे मेरी स्कूल की छुट्टी हो जाती थी, सीधा आप पैदल पैदल उसके घर पे पहुँचता था, फिर हम लोग बात करते थे बैठ के, मस्त गेम वगैरह खेलते थे, कॉन्ट्रा स्ट्राइक वगैरह, GTA Vice City, GTA San Andreas, GTA 3. फिर एक दिन भाई वो निकल के आया, बोलते भाई अपने को फेम चाहिए. मैं भाई वो पेप्सी आते ना 1 रुपये वाली पेप्सी खा रहा था, मैंने ये फेम क्या होती है, तो बोलता भाई फेम नहीं पता तुझे, फेमस होना है अपने को, एक बार अगर अपन फेमस हो गए ना तो अपने पास इतने पैसे होंगे, अपने पास ये स्कूटी होगी, अपने पास ये वाली बाइक होगी. फिर मैंने बोला अगर अपन दिन भर फ्री बैठ रहे थे करते हैं कुछ, तो उस वक्त काफ़ी सारे यूट्यूबर्स वाइंस बनाते थे तो समझ में नहीं आया. मैंने बोला एक काम करते हैं, अपन भी यही करते हैं यार, अपन भी तो दिन भर क्या करते हैं, पागलपंती तो करते रहते हैं. 4-5 लोगों का ग्रुप बनाया, एक चैनल बनाया वाइंस का, फंकी पॉइंट करके. अबे यार आज देख यार, काश मेरी कोई गर्लफ्रेंड होती, तुम्हारी तो एक है गर्लफ्रेंड है बेटा, मेरे को बस ये सेट करवा दो यार प्लीज यार. अबे शक्ल देखी है तो लगता ही है ना कि तू तो दोस्त चंदा का मार दियो. और 4-5 लौंडे निकल गए वीडियो बनाने एंड हम लोग पता है क्या करते थे, हमको पता ही नहीं होती थी कि स्क्रिप्ट क्या है, कि क्या स्क्रिप्ट है क्या नहीं, सीधा बस पहुंच जाते थे लोकेशन पे और ऑन द स्पॉट कुछ भी पागलबंदी करते थे, उसको रिकॉर्ड करके एडिट कर लेते थे, जो वहां पर जाके समझ में आएगा ना कि भाई ये बनाना है बना देते थे. वो भी उस चैनल पे भी हमने कम से कम 20-25 वीडियोस डाली. फिर धीरे धीरे सब बड़े होने लगे, किसी का स्कूल ट्यूशन रहता था, किसी का स्कूल रहता था, तो कभी वो नहीं आ रहा है, कभी ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है. मैंने बोला भाड़ में जाए ये सब, कुछ ऐसा करना पड़ेगा इसमें किसी की ज़रूरत नहीं है अपने को. मेरे पास जो J2 था सैमसंग का, तो वो मेरा फ़ोन कहीं जेब से गिर गया मेरी, और मेरी सारा डाटा वाटा, मेरा चैनल वैनल, मेरा नंबर, मेरी सिम,
सब चली गई और पापा मम्मी इतना गुस्सा हुआ, उन्होंने बोला कि अब तेरे को कभी फ़ोन नहीं दिलाएंगे हम लोग। मेरे पास मानोगे नहीं 1.5 साल इंस्टाग्राम वगैरह सब पॉपुलर हो चुका था बट मेरे पास 1.5 साल तक मोबाइल फ़ोन नहीं था और मेरे को पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जैसे तैसे करके पापा ने एक नया फ़ोन खरीदा और उनका जो पुराना वाला फ़ोन था वो उन्होंने मुझे दे दिया। बस मेरे लिए वही बहुत था। मैंने देखा भाई इंटरनेट पे तो पता नहीं क्या ही चल रहा है, डब स्मैश, म्यूजिकली, यूट्यूब ऐसा वैसा। मैंने फिर म्यूजिकली पे 2-3 वीडियोस बना के डालना स्टार्ट करी। तुम्हारा भाई बचपन से क्या बाल बाल सेट वेट करके घूमता था एंड गाने उस वक्त मिलिंद काबा के गाने ये सब बहुत भयंकर चलते थे, रफ्तार का फास्ट वाला रैप वगैरह। तो मैंने सोचा चलो मैं भी इस पे वीडियो बनाता हूँ। मैंने कम से कम 200-300 वीडियो बनाई, एक वीडियो में मेरे 10,000 लाइक आ गए। मैंने बोला इसकी माँ की आँख, 10,000 लाइक्स। धीरे धीरे मेरे 40,000 फॉलोअर्स हुए उस पे एंड वो अकाउंट में कुछ दिक्कत आई, ग्लिच आया और वो अकाउंट फ्रीज हो गया। एंड ये उस समय की बात है जब मेरे पापा की जॉब वगैरह भी शायद से चली गई थी एंड हमारी फैमिली में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। बट पापा ने फिर डॉग्स वगैरह बिजनेस स्टार्ट करा। मैं 10 कुत्ते घुमाता था एक साथ, 10 कुत्ते एक साथ में अकेला बंदा घुमाता था। ऐसे चेन रहती थी कम से कम 5 लैब्राडोर, ये कुत्ता वो ब्रीड। दिन भर में बालों में रहता था, गंदा संदा एकदम, मेरे में से स्मेल आती थी बहुत गंदी वाली, क्योंकि मैं उनको उनकी केयर में लगा रहता था। पापा के पास मेरे एक कार थी i20 जो कि उनकी जब बहुत अच्छी जॉब चलती थी तब लिया था उन्होंने। फिर थोड़ी प्रॉब्लम्स के चलते हमको वो कार बेचनी पड़ी। फिर जब वो कार बिकी तो उसके पैसे आए एक साथ कैश, तो पापा ने बोला मेरे को कि बता दे वो क्या चाहिए। मैंने बोला एक मेरे को फ़ोन दिला दो अच्छा सा। तो बोलते कौन सा फ़ोन चाहिए, मैंने कोई सा भी फ़ोन दिला दो। फिर भाई मेरे को पता चला आईफोन करके भी कोई सा फ़ोन आता है। फिर मैंने ओएलएक्स पे सर्च करा, आईफोन 6 मिल रहा था कुछ 16,000 रुपये का। बस वहीं से पूरी कहानी स्टार्ट हो गई। किसी के घर पे उन्होंने ओएलएक्स पे डाला हुआ था, उनसे वो आईफोन लिया एंड मेरी वीडियो की क्वालिटी बूम हो गई एकदम से। मेरे पास लाइट वाइट कुछ नहीं थी तो मैंने एक ऐसे आड़ी ट्यूब लाइट सीधी लगा दी और मैं वीडियो बनाने लगा और मेरी वीडियो की क्वालिटी इतनी मस्त आ रही थी ना उस वक्त। फिर एक दूसरा अकाउंट बनाया मैंने म्यूजिकली पे, भाई उस पे मेरे 2-3 दिन में ही वीडियोस चल गए भयंकर वाले, 1-1 लाख 2-2 लाख लाइक आ गए मेरे वीडियोस पे 2 दिन में। पुराने वाले अकाउंट में मैंने 100 वीडियोस डाली थी और इस पे मैंने 2-4 वीडियोस डाली और मेरी वीडियो एक चल गई, उस पे रातों रात 1 लाख लाइक आए और मेरे फॉलोअर 50,000 हो चुके थे। मैंने बोला ये क्या हुआ भाई। बस वहीं से सब कुछ स्टार्ट हो गया, मैं रुका ही नहीं फिर कभी भी। पर दिल में एक वो था ना यार कि ये सब काम हमेशा सेकेंडरी सोचा, मेरे को एक यूट्यूबर बनना था। फिर मैंने व्लॉग्स बनाना स्टार्ट करे और उस वक्त मेरे व्लॉग्स पे इतने ज्यादा व्यूज आते थे, 2 लाख 3 लाख ऐसे व्यूज, मैं पागल हो गया था वो व्यूज वगैरह को देख के। ये तो थी मेरी छोटी सी एक स्मॉल जर्नी कि मैं कैसे कैसे क्या क्या करते हुए आया। मेरा एक ड्रीम था, मैंने मेरा ड्रीम कम्प्लीट करा। जे मेरे जो मोहल्ला था उसमें एक मेरा दोस्त है, उसके बड़े भाई ने KTM RC 200 ली थी उस वक्त। मैंने बोला यार ये कितनी सेक्सी बाइक है, ये बाइक मेरे को चाहिए। वैसे स्कूल में भी कोई पूछता था ना तेरा ड्रीम क्या है, तो मैं बोलता था यार मेरे को KTM RC 200 लेना है, उसके बाद मेरे को कुछ नहीं पता क्या ड्रीम है मेरा, बस मेरे को वो बाइक लेना है। जो मेरे टीचर्स वगैरह रहते थे वो मुझ पर हंसते थे कि भाई कौन सा ड्रीम पाला है तूने, बाइक लेना ड्रीम है तेरा। मैंने बोला हाँ भाई मेरा यही ड्रीम है। बहुत मेहनत करी। पहली कमाई से अपने खुद के दम पे मैंने फिर खरीदी KTM RC 200। देखो मैंने क्या लिया, बहुत पहले, तब बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। एंड वहाँ से स्टार्ट हुआ मेरा पूरा करियर एकदम बूम पे। आज भी लोगों का ड्रीम है KTM RC 200 लेना, क्यों? क्योंकि मैंने ली थी, वो मेरे से इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं वो लोग। KTM RC 200 पे मैंने एक वीडियो डाली म्यूजिकली पे, उस पर एक दिन में 1 मिलियन लाइक्स आए थे। बस मैंने रोड पर नॉर्मली चलाई थी और मैं उस वक्त बहुत छोटा था, आई थिंक मैं कुछ 15 साल का था उस वक्त, और मेरे को इतना कोई सेंस नहीं था कि हेलमेट वेलमेट लगाते हैं, राइडिंग गियर्स पहनते हैं। मेरे को बहुत गालियाँ पड़ी थी उस वीडियो पे कि भाई तू क्या कर रहा है, हेलमेट लगा ले। एंड मैं उस चीज़ को बिल्कुल भी माइंड नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे को पता है आई रिस्पेक्ट कम्युनिटी। तो गाइज मैं हेलमेट पहन के अब से बाइक चलाता हूँ, मैं सबको बोलता हूँ कि भाई अगर तुमको राइड वगैरह करना है तो प्लीज़ सारे सेफ्टी गियर्स पहनो। फिर मैं 16 साल का जब मैं 15 साल का था तब मैंने KTM RC 200 ले ली थी, और जब मैं 16 साल का हुआ तब मैंने ली थी। वरना जब मैंने वो कार खरीदी थी ना, मेरे को कार का गियर लगाते भी नहीं आता था, मैं डायरेक्ट खरीद के लाया वो कार और मैंने कार चलानी सीखी, और मैंने वो यूट्यूब के पैसों से खरीदी थी कार मेरी, यूट्यूब के ब्लॉग्स के पैसों से खरीदी थी। तो ट्रेंडिंग सेक्शन मेरा उस वक्त खुल चुका था एंड आज भी मेरी वीडियोस ट्रेंडिंग में जाती है। प्रीवियस की 2 वीडियोस
ट्रेंडिंग पेज में है हमारी, इस चीज़ के लिए मैं बहुत 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 ज़्यादा थैंक्स बोलता हूँ हमारे बाबा भोले बाबा को। मेरे पापा भी बोलते कि बेटा सीधा उनका आशीर्वाद है तुझ पे, और मुझे भी वो चीज़ फील होती है। फिर मैंने अपनी वरना बेच दी थी, क्योंकि मेरी वरना मेरे कुछ दोस्त लेके गए हुए थे, रात को हम लोग पार्टी कर रहे थे, और वो बिना मेरे से बिना पूछे मेरी कार ले गए, और वो कार उन्होंने ठोक दी नीचे से उसका इंजन में जो ऑयल टैंक रहता है वो फूट गया नीचे से। फिर उस कार को बहुत सस्ते में बेचा हम लोगों ने, एंड जो उससे पैसे आए और मेरे पास कुछ और सेविंग्स भी थी, उससे मैंने एमजी एक्टर खरीदी, क्योंकि मेरे को कार चाहिए थी कैसे भी करके। तब तो भाई बंदे सोच रहे थे कि ये क्या कर रहा है तुषार। भाई तुषार ये कर रहा था कि तुषार कर रहा था पागलपंती। मेरे को उस वक्त कार नहीं लेनी चाहिए थी, वो टाइम नहीं था सही कार लेने का, बट फिर भी मैंने कार ली, एंड वो तो भगवान का बहुत लाख लाख शुक्र है कि मेरा सारा काम बहुत अच्छे से चलने लग गया, तो उसकी EMI वगैरह निकल जाती थी। फिर एक दिन ऐसा आया, फिर मैंने जो मेरा पुराना वाला घर था छावनी वाला घर, उसको छोड़ना पड़ा मेरे को, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जमा होने लग जाते थे। तो मैंने एक जगह पर रेंट पे फ्लैट ले लिया था, मम्मी पापा हम लोग सब वहाँ शिफ्ट हो गए थे। जो मेरी KTM RC थी उसको मेरे दोस्त लोग चलाते रहते थे, तो एक दिन मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, मेरा बर्थडे वाले दिन था, तो वो मेरी बाइक चला रहा था, वो था छावनी में, तो मैं भी छावनी में पहुंचा, और मेरे को वो लोग दिख गए एकदम से, मैं हेक्टर में था अपनी, तो मैंने बोला एक काम कर ये बाइक को यहीं लगा दे तू। उस बाइक को हमने मेरे एक दोस्त के बाहर गेट घर के बाहर लगा दी, एंड हम लोग उस बाइक को छोड़ के निकल गए, और हम लोग मामा के फ्लैट पे आ गए, और यहाँ पे हम लोग आके पार्टी करने लग गए। इन लोगों को कॉल आया, क्या हुआ पता नहीं मेरे को, तो पूरी गाड़ी को किसी ने पत्थर से मारा हुआ था, पूरी गाड़ी फोड़ी थी पहले पत्थरों से, फिर उसको पेट्रोल डाल के आग लगाई थी पूरी गाड़ी में। मामा ये लोगों ने पूरी गाड़ी आंखों से जलती हुई देखी, जल रही थी गाड़ी, ये लोग तब पहुंचे वहां पे। एंड मेरा बर्थडे था, तो इन लोगों ने मेरे को दो दिन तक बताया ही नहीं कि तेरी बाइक जल चुकी है। मेरा बर्थडे वगैरह मैंने सब सेलिब्रेट करा, फिर मैं घर पे आया, तो एक दिन मेरे को कहीं से फोटो आया व्हाट्सएप पे, पूरा कुछ जली हुई चीज थी, और उस पर एक नंबर प्लेट थी, और पूरी बॉडी थी किसी गाड़ी की, उसको नंबर था गाड़ी का मेरा। मैंने बोला ये मेरी गाड़ी का नंबर है, ये क्या हो गया। मैंने वो चीज देखते से मेरे को एक मिनट के लिए तो समझ में नहीं आया कि ये क्या चीज हुई है, और मेरे आंसू निकलना स्टार्ट हो गए जोर जोर से। मैं भागता हुआ पापा के पास गया, पापा बोलते देखो पता था पहले से, तूने नहीं बताया। मैंने मेरे को नहीं पता था, आप किसी से भी पूछ लो। फिर वो बाइक वगैरह का बहुत गंदा सीन हुआ उस वक्त लोगों को लग रहा था कि मैंने वो बाइक जलाई है व्यूज के लिए। भाई मेरे को व्यूज की क्या जरूरत है, मैं ऑलरेडी मैंने इतना कुछ कर रखा है कि मेरे ठीक ठाक व्यूज आ जाते हैं। अब मैं इतनी घटिया हरकत करूंगा, जो मैंने मेरा सपना था बचपन का, एक बचपन में लड़के का सपना था, वो अपनी बाइक जलाएगा व्यूज के लिए। तुम कितने पागल लोग हो जो लोग ये चीज सोच रहे थे। बाइक से जिनको प्यार है ना, वो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकते। एक बार अपना हाथ काट लेंगे पर अपनी बाइक पे स्क्रैच नहीं पड़ने देंगे वो लोग। फिर मेरी हटी, मैंने बोला इसकी माँ की आंख, मैं रोऊंगा तो नहीं, मैं जिन्होंने मेरी बाइक जलाई और तोड़ी है ना, उनको ऐसा लपड़ दूंगा एक कान के नीचे, हाथों से नहीं अपनी सक्सेस से। साला इतनी मेहनत करी मैंने, इतनी वीडियोस बनाए, इतने मेहनत करी, बिल्कुल उस चीज से ध्यान हटाया मैंने, एंड हम लोग खरीद के लाए ZX10R। मैं तो दे दूं पर मेरी बातें ना देती माफी, मैं अभी है पानी तो नहीं है बहुत प्यासी। भाई साहब वो क्या दिन था ना, जब मेरी ZX10R आई थी, 200 cc के बाइक से सीधा 1000 cc की बाइक पे मैंने स्विच करा। जितने रुपए की मेरी कार है ना, उतने रुपए की मैंने बाइक खरीदी। ओ बाप रे बाप, भाई लड़के ही समझ सकते हैं ये फीलिंग, जिस दिन आप अपनी सुपर बाइक खरीदोगे ना, अगर आपको बाइक का शौक है, तुम उस गाड़ी को निहारते रहोगे बस, और कुछ भी नहीं करोगे। लोगों ने मेरी बाइक जलाई थी, और जो लोग हंस रहे थे मेरे ऊपर कि यार इसकी बाइक जला दी ये वो, मैंने बोला था उसी दिन, मैंने तुम लोगों को लगता है कि मैं यहीं रुक जाऊंगा, तो बेटा तुम इतनी टुच्ची हरकतें करके मुझे नहीं रोक सकते हो। मेरा नाम भी तुषार सिलावट है, तुम्हारा पापा बैठा है इधर, और मेहनत करेगा और सक्सेसफुल होगा, क्योंकि मेरे साथ जनता है, मेरी जनता मेरे को सपोर्ट करती है, और जिसके साथ जनता है ना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये मत समझना मैं अकेला आगे खड़ा हुआ हूँ, मेरे पीछे टीम तुषार है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी आर्मी मेरे साथ है। एंड गाइस फिर मेरा दूसरा मिशन चालू होने वाला था, क्योंकि मेरे को मेरी मम्मी को एक घर गिफ्ट करना था, एंड मेरा ये ड्रीम था, मैंने यही ड्रीम देखा था पारसी मोहल्ले में जब मैं रहता था ना, कि यार मेरा घर इतना अच्छा नहीं दिखता है,
तो एक ऐसा घर तो दिलाना है मेरी मम्मी को जो बहुत अच्छा दिखता हो, बहुत सुंदर दिखता हो। नेक्स्ट मिशन के लिए तैयारी स्टार्ट कर दी, वीडियोस वगैरह बनाना स्टार्ट करे, फोटोशूट्स व्लॉग्स वगैरह थी, छोटे 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 थोड़े 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 करके पैसे सेव करे मैंने। एंड मैंने खरीदा कम से कम 1 करोड़ 20 लाख रुपए समथिंग का घर खरीदा मैंने। एंड मेरा नेक्स्ट मिशन है कि एक ऐसा घर बनाना है जिसमें जोजो मेरा जोजो के लिए बहुत बड़ा गार्डन हो, उस गार्डन में खेल रहा है, मस्ती कर रहा है, मेरी 4-5 सुपर बाइक्स लगी हुई है, मेरी सुपर कार्स लगी हुई है। सो ऐसा कुछ सोचा है मैंने। इतनी बड़ी बड़ी बातें तो नहीं करनी चाहिए, बट ये बात तो मैंने सेम तब बोली थी जब मैं वरना खरीदी थी ना, मेरा वरना वाला व्लॉग देखना, उसमें मैंने सेम यही बात बोली थी। मैंने बोला था कोई ऐसी कार लूंगा जिसके अंदर सनरूफ हो, फिर मैंने यही बात बोली, इतनी बड़ी बड़ी बात तो नहीं करनी चाहिए, बट करनी चाहिए। खुद को कम मत समझो, तुम इंसान हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, मैं कर सकता हूँ ना तो तुम लोग भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े सपने सोचो, बड़े सपने देखो, सब कुछ होगा। जब अच्छा अच्छा होता है ना तो बुरा बुरा भी बहुत होता है, हमेशा सब कुछ स्मूथ नहीं चलता है। मेरे पता नहीं किस चीज़ का ही एग्रेशन आ गया था बहुत ज़्यादा, मैं बहुत गुस्सा करने लग गया था, हर किसी से गंदे तरीके से बात करता था। फिर भगवान ने मेरे पीछे लात मारी एक और मेरे को दिखाया कि इतना उड़े मत बेटा, पैर नीचे रख जमीन पे। मैं मेरे मुंह से बोल रहा हूँ, मैं बहुत उड़ने लग गया था, मैं पार्टीज करने लग गया था, मैं क्लबिंग कर रहा था, मेरे 50-50 हज़ार रुपये 1-1 लाख रुपये के बिल बन रहे थे क्लब्स में। मैं गलत गलत चीज़ों में फंस गया था, एक तरीके से मैं गलत चीज़ों में पड़ गया था। जब आपके पास बहुत पैसे आते हैं ना तो आपको गलत चीज़ें अट्रैक्ट करती है और आप गलत चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हो, और जब आप उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हो ना तो आपकी लाइफ बर्बाद होने लग जाती है। मैं इतना कंसिस्टेंट था अपने इंस्टाग्राम को लेके, अपने रील्स को लेके, अपना मेरा काम मेरे लिए भगवान था, एंड मैंने उसी को वैल्यू देना बंद कर दी। बहुत गंदा फेज स्टार्ट हुआ मेरा, मेरा बैंक बैलेंस क्लियर होना स्टार्ट हो गया पूरा, मेरा इंस्टाग्राम मेरा साथ नहीं दे रहा था। मेरे 2 महीने में 1 लाख फॉलोवर 1.5 लाख फॉलोवर बढ़ते थे, मेरे फॉलोवर बढ़ना ही रुक गए यार। सोचो तुम, मेरे 2 साल से 4.8 मिलियन पे अटका हुआ हूँ मैं 2 साल से, क्यों? इन्हीं सब गंदी हरकतों की वजह से। अगर मैं वो सब नहीं करता, इतने इतने दिन तक वीडियोस गैप में 1-1 महीने तक वीडियोस नहीं डाल रहा था इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालना बंद कर दी, अरे हटो सब हटो, अपने जो है बहुत गलत बात है ये। अभी मैं मत जीना, कभी मत बोलना मैं, हम बोलना हम, मैं कुछ नहीं होता, अकेला कोई कुछ नहीं होता है, उसको जोड़ने के लिए उसका परिवार, उसकी जनता, उसके दोस्त सब लोग साथ देते ना, और जो मैं करता है ना वो थोड़े देर तक चलता है फिर नीचे वापस, ख़त्म गेम उसका। फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ, मेरी गलतियाँ रियलाइज़ हुई, मैं धीरे धीरे बड़ा होने लगा, मैच्योर होने लगा। मेरे को 4-4 लाख लाइक आते थे रील्स पे, मेरे 1 लाख लाइक पे ड्रॉप हो गया। मेरे को दिख रहा था मेरा डाउनफॉल, मेरे फॉलोवर माइनस होने लगे, मेरे को दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है मेरी आंखों के सामने। मेरे 4.9 मिलियन से 4.8 गिरा मैं, 4.8 से भी 4.7 पे भी गिरने वाला था, इतने कम हो रहे थे मेरे फॉलोवर, क्योंकि मैं कुछ डाल नहीं रहा था। ये सब कभी बातें कैमरा के सामने बोली नहीं है। फिर मैंने सोचा कि नहीं तुषार, तूने बहुत बड़े बड़े सपने देखे हैं, और तू अगर आज खत्म हो गया ना मजाक बन के रह जाएगा। फिर मेरा एक नया वर्जन स्टार्ट हुआ, तुषार सिलावट 2.0। मैंने वही अब मेहनत करनी है, जिन जिन से गिले शिकवे थे सबसे गिले शिकवे मिटाए। एक टाइम में सब लोग छोड़ के चले जाएंगे, एवरीवन जो भी है तुम्हारे लाइफ में सब चले जाएंगे, पर एक माँ और एक बाप, ये 2 लोग ही तुम्हारे दुनिया में बेस्ट फ्रेंड भी है, फ्रेंड्स भी है, फैमिली भी है, प्यार भी है, खुशियाँ भी है, सब कुछ ये 2 लोगों से ही मिलती है। इन 2 लोगों को जिस दिन पकड़ के चलोगे ना और इन 2 लोगों की बात सुन के ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे, तुम सक्सेसफुल हो जाओगे मेरे भाई। अगर तुमने अपने माँ बाप की सुन ली ना भाई, उनके पैरों में लेट जाओ, मैं तो बोलता हूँ वो तुम्हारे साक्षात तुम्हारे सामने भगवान है। एंड मैं तो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ अपने मॉम डैड के लिए, उनने मेरा हमेशा साथ दिया, वो मेरे को अभी भी इतना सपोर्ट करते हैं। मेरे को बोलते हैं भाई तू वीडियो क्यों नहीं बना रहा है, तू फोटो क्यों नहीं क्लिक करा रहा है, तू ये क्यों नहीं कर रहा है, वो क्यों नहीं कर रहा है। अरियांशी मेरी लाइफ में वापस आई, अरियांशी से भी मैं बहुत लड़ाई करता था पहले, उसने भी मेरे को बहुत संभाला, अरियांशी ने यार उसने मेरे को संभाला, समझाया, मेरे लड़ाई झगड़े में इतनी गंदी लड़ाई करता था उससे, फिर भी वो सुनती थी, मेरे को चिल्लाती थी, मेरे को समझाती थी, और उसने जो समझाया मेरे को वो मेरे को आज काम में आया, और मेरे को समझ में आया कि नहीं यार ये बंदी भी सही बोल रही है, एंड सभी सही बोल रहे थे। फिर मैंने कमबैक करने का ट्राई करा, और मैं करता रहा। अब फाइनली चीज़ें सॉर्ट होनी स्टार्ट हुई है, अब जाके मेरे वीडियोस चल रहे हैं, अब जाके मेरे व्लॉग्स ट्रेंडिंग में फिर से आ रहे हैं, अब जाके आप लोग प्यार दे रहे हो। सो थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगा मैं, मेरे को एक और चांस देने के लिए, एंड मैं तुम लोगों को कभी निराश नहीं करूँगा, अपने तरफ से जितना एंटरटेन हो सकेगा करूँगा। सो अभी बहुत समझदारी आ गई है दिमाग में, समझ में आने लग गए रिश्ते कितने ज़रूरी है, माँ बाप कितने ज़रूरी है,
मतलब मैं तो यही विश करूंगा कि मेरे जैसे मॉम डैड, मेरे जैसे भाई, मेरे जैसे दोस्त सबको मिले। एक मेरा भाई है छोटा गिट्टू, जब मेरा गलत टाइम आया ना, जितने दोस्त ए टू जेड, मुंह पे बोल रहा हूँ, इस कैमरे में सामने बोल रहा हूँ, मैं सामने, जिसको बुरा लगे अच्छा लगे, जितने दोस्तों को मैंने, आपने मेरे ब्लॉग्स में वीडियोज़ में देखा है ना, सारे मैंने देखे धीरे धीरे कटते हुए मेरी आंखों से, मेरी आंखों से मैंने उनमें चेंज देखा। जब मेरा अच्छा टाइम था तब मैं तुम लोगों के साथ था, और जब तुम्हारा अच्छा टाइम आया तो तुम लोगों ने दूसरे दोस्त बना लिए और तुम मेरे को छोड़ के चले गए। बट मेरा जो छोटा वाला भाई था गिट्टू, उसने मेरा साथ दिया हमेशा, वो मेरे लिए खड़ा रहा और मैं उसके लिए मेरी लाइफ टाइम खड़ा रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप लोग पूछ रहे हो गिट्टू कौन है, और वो किट्टू नहीं, गिट्टू है ना। ये पूरी रॉ वीडियो है, मैं रॉ ही डालूंगा, कोई एडिट वेडिट कुछ नहीं करूंगा। दिन में हम लोग एक रील बनाने गए थे इंस्टाग्राम के लिए, जो कि डल चुकी होगी, आज डलेगी, जो कि 4 बजे देख लो ना, बहुत तगड़ी रील होने वाली है। अरियांशी और मैंने साथ में बनाई है, वो भी हमारी S1000RR पर। बहुत गलत टाइम चला मेरा, जैसे तैसे करके मैंने फिर वापस धीरे 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 सब कुछ रिकवर करा, हमारी S1000RR ली, जैसे तैसे हमने सब कुछ रिकवर करके 1.5 साल मेहनत करी मैंने वापस। मैंने ये सोच लिया था भाई स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा है तुषार, तू ना तू लाइक देख, ना तू व्यूज देख, ना तू कमेंट्स देख, कुछ भी मत देख, नेगेटिविटी अपनी लाइफ से दूर रखो। एंड फिर हम लोगों ने S1000RR खरीदी हमारे बर्थडे पे, काफ़ी सारे लोगों को लग रहा था मैं नहीं ले पाऊंगा, मैं नहीं ले पाऊंगा, मैं नहीं ले पाऊंगा, बट क्या बोला था, कान के नीचे देंगे, टीम तुषार साथ में है और अपने शंभू साथ में, तो फिर तो इन तुच्छे इंसानों की, जल कुकड़े इंसानों की इतनी औकात नहीं कि उनकी शक्ति से लड़ ले, ठीक है। मेरी लाइफ थोड़ी सी रोलर कोस्टर की तरह ही रही है, कभी ऐसी कभी ऐसी, कभी ऐसी कभी ऐसी, ऐसी कभी नहीं चली, ऐसी चलती मतलब बंदा ख़त्म, ऐसी ऐसी ही चलनी चाहिए। अभी मेरे सर में लगी हुई थी, आप लोगों ने देखा होगा, उसके बारे में भी मैंने कुछ भी नहीं बताया था, वो भी सब मैं उसका जिम्मेदार हूँ, कोई उसका जिम्मेदार नहीं है, मैं उसका जिम्मेदार हूँ, मैं जो बैठा हूँ ना सामने ये कैमरे के, उसका जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। मैं ऐसी जगहों पे जाना स्टार्ट कर दिया, ऐसे ऐसे क्लब्स जाना स्टार्ट कर दिया, मैं फेमस हूँ यार, मेरे से लोग जलते हैं, बहुत लोग जलते हैं मेरे से, बैक से अटैक करा मेरे पे, विस्की का ग्लास होता ना, विस्की का ग्लास, मैं मेरी गाड़ी में बैठ रहा था, एक बंदे ने उछल के मेरे सर पे, इतने उछल के मेरे सर पे विस्की का ग्लास मारा, मेरा सर यहाँ से फट चुका था पूरा। पर तुम्हारा भाई भी ना शेर का बच्चा है, शेर का। अगर तुम लोग जिनसे मेरी लड़ाई हो गई और वो लोग भी वीडियो देख रहे होगे ना भाई, तो किसी से लड़ाई नहीं रखनी है मेरे को मेरी लाइफ में। मैं तो यही चाहूँगा कि तुम लोग भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, सक्सेसफुल हो, अपने माँ बाप के सपने पूरे करो। 2 मिनट लगते हैं भाई, 2 मिनट, या तो मैं चला जाऊँगा या तो तू चला जाएगा, बाकी बस अपने काम पर ध्यान दो, अपने ड्रीम्स पर ध्यान दो। बहुत बार फेलियर्स आएंगे, 2 साल 4 साल तक फेल होते रहोगे, बट नेवर बैक डाउन। एंड मैं चलता हूँ अभी, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई हो तो सॉरी, बट रॉ वीडियो थी, पूरी दिल की बात की, सारी सब कुछ शेयर कर दिया आपसे। बाय बाय।